बलरामपुर के एक दौरे पर पहुंचे कांग्रेस पार्टी में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष तनुज पुनिया ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की गाड़ी कमाई को बीजेपी की सरकार रैलियों में खर्च कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता तनुज पुनिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई को दूर करने की बात है, जनता की गाड़ी कमाई को करोड़ों रुपए प्रतिदिन बीजेपी खर्च कर रही है। महंगाई तो आसमान फाड़ चुकी है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस तो दूर की बात है, अब तो जीएसटी कपड़ों और जूतों पे बढ़ाने जा रहे हैं, चप्पलों पे बढ़ाने जा रहे हैं, सब चीज़ महंगी होती चली जा रही हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 50-51 करोड़ दसियों करोड़ ये रोज खर्च कर रही है अपने प्रचार प्रसार में, अपनी जनसभाओं में, और ये सब जनता का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा ये खर्च कर रही है। जो कोटे की दुकानों पे फ्री का राशन मिल रहा है, उसमें जो फोटो के साथ प्रिंटेड थैलों में राशन मिल रहा है, ये भी तो सरकार के पैसों से प्रिंटिंग हुई है, वो थैले भी तो सरकार के पैसों से हैं। तो ये जो अपना प्रचार प्रसार हमारे पैसों के माध्यम से कर रहे हैं, हमारी गाड़ी कमाई से जो ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही अनैतिक है, और इनको कम से कम ब्यौरा देना चाहिए इसका कि कितना खर्च इन्होंने किया सरकारी पैसे से, कितना इतना इनका व्यक्तिगत पैसा है। वैसे सबसे अमीर पार्टी तो यही है, अडानी अंबानी जी जिनके पीछे हो, उनको पैसे की कभी कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ऐसे महंगाई के दौर में विशेष रूप से जब हर चीज़ पे टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, तो सरकार को इसमें विचार करना चाहिए।